हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जहानारा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसे एक मज़ेदार मतलब मास्क के बारे में बताऊंगी जो है चारकोल का पील ऑफ मास्क है। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चारकोल पाउडर है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप भी हंसते हंसते मतलब पागल हो जाओगे। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इस वीडियो में मैंने साउंड भी किसी जगह में मतलब नहीं ये किया, एडिट नहीं किया है, क्योंकि ताकि आप लोग पूरे तरीके से सुन पाओ हमारी मस्ती। तो चलिए इस मास्क के बारे में पहले मैं बताती हूँ। इस मास्क जो है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चारकोल पाउडर ही है। और उसमें वोल्केनिक सॉयल है, एलोवेरा का लीव एक्सट्रैक्ट है, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे ग्लिसरीन, मिंथॉल, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स है जो आपके फेस के लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं है, बहुत ही अच्छा है आपके फेस के लिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसको लगाने का तरीका। पहले तो आप इसको पहले गर्म तौलिया से अपने फेस को पहले कवर करके रखिए, कुछ देर के लिए रखिए, फिर ताकि आप लोग आपके जो ओपन पोर्सेस है वो खुल जाए अच्छे से और अच्छे से क्लीन हो पाए। फिर आप इसको अपने फेस पे जेंटली अप्लाई कीजिए, पूरे फेस पे कीजिए ओनली। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, जैसे मैंने अपने आई के एरिया में नहीं लगाया है और फॉरहेड के मतलब बालों के एरिया में नहीं लगाया है। बाकी आप इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, ये 30 मिनट तक आपको टाइम लगेगा इसको सूखने के लिए, उसके बाद आप इसको धो सकते हो। तो सबसे मज़ेदार बात है, मैंने यहाँ पे जो है इसको साउंड को एडिट नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो जैसे कि मैं इसको खोलूँगी तो कैसे, जैसे लाइक पॉलीथीन जैसे नहीं होता है उस टाइप से आवाज़ आएगा। और थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है, लेकिन इसको जब खींचते हैं तब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सुन पाओ। आप लोगों ने सुन लिया होगा जैसे कि ये खींच रहा है, जैसे मेरे पास में दीदी है हमारे भाषा में ही बोल रही है, वो जैसे एकदम पॉलीथीन नहीं होता है, ब्लैक कलर का पॉलीथीन, ठीक वैसे ही लग रहा था, एकदम पॉलीथीन के जैसे ही लग रहा था। और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत डरा सा था, लेकिन चलो ठीक है, इतना ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो फेशियल हेयर है वो सारे उठ रहे थे, तो थोड़ा सा जैसे दर्द जैसा लग रहा था, खींचा हुआ सा लग रहा था। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से रिमूव कर दिया है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको पूरा रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद जैसे आप देख रहे हो ये इसमें देखिए पूरा ये इसमें जो है आपका फेशियल हेयर है सारा उठ गया है, इसमें ब्लैक हेड्स भी गए हैं काफ़ी सारे, काफ़ी हद तक गए हैं मेरे, और अपना फेस जो है काफ़ी हद तक क्लीन भी लग रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, काफ़ी अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा ही रहा है। तो मुझे थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि मेरा सारा फेसियल मतलब अपर लिप का जो हेयर था वो सारा उठ गया है कि नहीं, इसलिए मैं चेक कर रही थी अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लॉकडाउन था तभी, ये वीडियो काफ़ी पहले का था और बहुत मज़ेदार था, तो मैंने इसलिए अपलोड किया। काफ़ी पहले का है ये वीडियो, मैं गाँव में थी तभी का है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।